गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा पत्रकारों, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के स्थानांतरण पर शहर के एक निजी होटल में विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पत्रकारों, व्यापारियों और सामाजिक संगठन के लोगों द्वारा एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता को अंगवस्त्र, फूलमाला, बुके और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विदाई समारोह के दौरान पत्रकारों और अन्य गणमान्यों ने एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के 22 महीने से लगातार गोरखपुर जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने सहित सामाजिक सरोकार से जुड़कर किए गए विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई। विदाई समारोह के दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष मारकंडे मणि त्रिपाठी, महामंत्री मनोज यादव, कोषाध्यक्ष जगदम्बा तिवारी, कार्यकारी सदस्य संजय कुमार, दीपक श्रीवास्तव, प्रदीप गौड़, ध्रुव श्रीवास्तव, शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सहित अन्य पत्रकार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निवर्तमान एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, एक ऐसी शख्सियत जो गोरखपुर शहर में मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं, और आप जिस तरीके से निरंतर आपके द्वारा कार्य किए गए से भेंट उनको लेकर के मंच तक ले आए, और इसी कड़ी में मैं कहूँ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर को कि बराए मेहरबानी सर आप मंच पर तशरीफ लाएं, और इसी कड़ी में मैं आवाज देना चाहता हूँ। आज भी कवि सम्मेलन कराए गए महामंत्री है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो फोन लगाए, दूसरा की जो कोषाध्यक्ष है उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आ जाए। सेवा में हूँ या कहीं और भी, यहाँ जगदम्बा तिवारी जी मौजूद, सीओ तिवारी जी सर, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा। नहीं लेना उन्हीं के लिए, आप लोग ताली नहीं बजाते, एकदम खामोश है, कोरोना का असर सबसे ऊपर से पाती हो, यकीन चाहे जब भी मौका रहता है, समाज भारत के हीरो चीफ है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँ। मित्रों मुझसे कहा गया कि कुछ किसान माता पर एक अध्यापक और एक मार्गदर्शक ऑर्डर है, और मेरे साथ यहाँ हमारे तीनों नगर क्षेत्र के तीनों सीओ भी हैं, क्राइसिस आती थी तो हमें लगता था ये अपॉर्चुनिटी जो प्रधान साहब ने हमें दी, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस के किसी भी व्यक्ति को प्रधान साहब ने हल्का सा भी प्रेशर डाला किसी काम के लिए। इतनी सहजता से, इतने संयम से सर हम सभी से इतने कठिन से कठिन कार्य करा रहे थे कि हमें नहीं पता चलता था कि हम इसमें सक्षम हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम सभी हमेशा प्रधान साहब के आभारी रहेंगे, इन्होंने जो जो चीज़ें हमें सिखाई, और भविष्य में भी सर का इसी तरह स्नेह और सान्निध्य हमें मिलता रहे। सर चाहे जहाँ भी रहें हम सब उन्हें कोच के पहुँचते रहेंगे, चाहे लखनऊ गए, चाहे जम्मू कश्मीर गए, और सर के इस पूरे स्नेह और इस मार्गदर्शन के लिए मैं कृतज्ञ हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनील गुप्ता जी, एसएसपी गोरखपुर, इस शहर में मैं 1986 से जो है इस शहर को बखूबी में देख रहा हूं, और दैनिक जागरण का 20 वर्षों तक एडिटर, यूनिट हेड, जीएम और प्रिंटर पब्लिशर रहा, 2 दर्जन से ज्यादा किताबें मेरी विश्वविद्यालयों के सिलेबस में हैं, चलती हैं। मैं तहे दिल से
चूंकि एक संवेदनशील इंसान है सस्ती साहब, हर दिल अजीज हैं, और निश्चित तौर पर मैं तो पहली बार मुझे मिलने का अवसर मिला है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, कभी कभी आता हूं, 4-5 महीने बाद आने का अवसर मिला है। यहां पर प्रवीण सिंह जी से मुलाकात हो जाया करती है कभी कभी, जब तो मुझे लगा किसी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति यदि वो संवेदनशील है तो निश्चित तौर पर अन्य व्यक्ति से वो अलग है। और जब उसके मन के भीतर दूसरों के प्रति दर्द को मिटा देने की क्षमता है और ईश्वर ने उसे अवसर दिया है, और वो अच्छा टीम लीडर तभी हो सकता है जब अपने टीम को बैकअप करे, बूस्टअप करे, तो आप दोनों मोर्चों पर सफल रहे। एक तो बाहरी दुनिया में जो लोग और आम जन की दुनिया है, उसमें पत्रकार भी हैं, प्रशासनिक अफसर भी हैं, और एक अपनी दुनिया जो पुलिस की दुनिया है, जो लाइन डार्डर की दुनिया है। इस शहर ने दो मुख्यमंत्री दिया और करीब करीब दोनों के मैं करीब रहा। एक तो वीर बहादुर सिंह, उस समय भी हम लोग जो है उस समय भी दैनिक मैं चीफ था, उनको भी बहुत निकट से देखने का अवसर मिला। और जब कोई मामला फंसता था तो उस समय अहमद हसन जी यहाँ पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, तो जितना अच्छा रिश्ता उनका पत्रकारों से था उतने ही आम जन से था। वैसे ही आपका जो रिश्ता है मुख्यमंत्री के शहर में 21 महीने टिक जाना और प्रभावी भूमिका निभाना, यह भी एक बहुत अच्छे अवसर के कारण ही संभव हो सका है। कि जहाँ रहेंगे वही रोशनी लुटाएंगे, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। साथियों एक बार जोरदार तालियों से सफाई कीजिए। यहाँ पर उपस्थित एसएसपी साहब, माननीय मंत्री, प्रेस क्लब के अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी पुलिस एसपी सीओ साहिबान, यहाँ पर आए हुए मीडिया के सभी सम्मानित गण, हमारे मुख्य अतिथि आज के त्रिपाठी जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कम समय में, अभी 12 घंटे भी नहीं हुए, 12 या 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, और आप लोग मुझे अच्छे से विदाई देने को तैयार हो गए। किसी ने रोका नहीं कि अभी थोड़ा टाइम ले लेते, हो सकता आनंद बदल जाए, स्थगित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय से यहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि ये वो कई बार हमने सुना है कि वो चक्रव्यूह है कि अभिमन्यु आता है और सब कुछ भेद के आता है, लेकिन अभिमन्यु ठीक तो जाता है लेकिन जिंदा जाता नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब आप लोगों की सतत प्रेरणा और आप लोगों की सतत जो आप हमारे साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं, उन सबका प्रणाम है कि मैं आपके लिए अच्छे से कोई 21-22 महीने सेवा दे पाया आपको। एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होती है, लेने और देने दोनों की होती है, और मेरा मानना है अफसर आज की डेट में प्रजातंत्र में बहुत जरूरी है हम लोग को रोल मॉडल होना, क्योंकि दुनिया हमारी तरफ देख रही है। और जैसा कि मुझे बहुत पसंद आई बात जो अभी त्रिपाठी जी ने कहा, संवेदनशील होना, मैं बार बार अपनी फोर्स को कहता हूँ संवेदनशील होइए। कोई फरियादी आता है तो अपने आप को टेबल के उधर ना रखिए, टेबल के इधर एक बार रख के सोचिए कि वो महिला आई है, वो बच्चा आया है, पुरुष आया है, और वो जो कहना है अगर वो आप अपनी जगह रख दीजिए, उसको उधर बैठा लीजिए, और वो आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है आप सोचिए। निसंदेह प्रशासन में संवेदनशीलता कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही थी। मैंने यहाँ आने के बाद जो सबसे पहला काम किया, सेंसिटाइजेशन ऑफ फोर्स किया कि पहले मैं अपने घर को साफ करूँ, अपने घर को समझाऊं, अपने लोगों को तैयार करूँ सर्विस डिलीवरी के लिए, ना कि शासन करने के लिए, ना कि अफसरी करने के लिए, बल्कि चाकरी करने के लिए। हम जनता के पैसे से यहाँ पर खड़े होते हैं और हम लग जाते हैं अपने बिल्डिंग बनाने में, अपने बाप बनाने में, हमारा ये
कि अभी हमारे पास ये ड्रैगन आर आई है, तो इसके बाद कौन सी आएगी, हमारे पास स्कॉर्पियो कब आएगी, तो वो कब कन्वर्ट होगी उसमें इनोवा में, तो इनोवा के बाद वो फॉर्च्यूनर में कब कन्वर्ट होगी। जिंदगी का यही एक सूत्र रह गया है आज की डेट में, जो भी संपन्न आदमी है। मैं यहाँ से आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमें संवेदनशील बनना है। त्रिपाठी जी की बात बहुत अच्छी है, मात्र एक फार्मूला, अगर हम मानवीय मूल्य और संवेदनशीलता को बढ़ा लें, हमें कोई काम पीछे नहीं रहेंगे, हम कहीं ना कहीं जरूर सफल होंगे, चाहे कोई भी पेशा हो। मैं कहता हूँ चाहे श्रीवास्तव जी हो, होटल भी अगर चला लें, आप मानवीय मूल्य और संवेदना से चलाएंगे आपका बिजनेस चलेगा, आप दुकान चलाएंगे मानवीय मूल्य और संवेदना से चलाएंगे चलेगा, पत्रकारिता करेंगे, ये जो दो मूल्य है ये आज की डेट में अमूल्य हो रहे हैं। मैं यहाँ पर सभी मीडिया बंधुओं, प्रेस बंधुओं, चाहे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सभी का हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ। मैं कई शहरों में कई रह के आया हूँ, और जिस तरह से यहाँ पर मीडिया संगठित है और मीडिया बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है बहुत सारे मसलों में, और कहीं ना कहीं हमें अच्छी फीडबैक देती है, सच्ची फीडबैक देती है, अच्छी से कहीं ज्यादा मैं कहूंगा सच्ची फीडबैक। मुझे इंतजार रहता था कि मुझे कब हमारे मीडिया बंधु कुछ बताएंगे कि इस थाने में कुछ गड़बड़ चल रही है, ये लोचा हो रहा है, बगैर लिखे बगैर छापे करने का, ये मैं थोड़ा सा चाहता था कि मुझे होता रहे, मुझे आप लोगों का लगातार सहयोग मिला, मैं इसके लिए बार बार आपका आभारी रहूंगा। और मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि कैसे भी करके जो हमारे आसपास है, जो जनता है, जहां भी मैं जाऊं, सबको संतुष्ट कर सकूं, खुश रख सकूं, सबकी तकलीफें सुन सकूं। जैसा कि मुझे एक अवसर दिया है ऊपर वाले ने, ऑफिसर बन के लोगों की सेवा में रहने का, इस तरह की पोस्ट है कि मेरे पास बहुत सारे अधिकार हैं, मेरे पास बहुत सारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निष्पादन ईमानदारी से करूँ, यही मेरी पूरी चेष्टा रहती है। न अहम कामे राज्यम, न स्वर्गम, न पुनर्भवम, कामे दुख ताप्ता नाम प्राणी नाम भारत। मुझे आमंत्रित किया तो हालांकि मैं साहित्य प्रेमी हूँ, साहित्यकार नहीं हूँ, बचपन में कभी शायरी सुनी और कविताएं लिखी, मैं 20 साल 25 साल पुरानी कविताएं उठा के लाया था, और यही जो इनको सुना बोला, इन्हीं को सुनाया था, इनको वही पसंद आ गया, तो तब से मिनत भाई हमारे एक अभी करीब हो गए, और ये इस शहर की मतलब मैं कहूँगा कि आवाज़ बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, और इन्हें ऊपर वाला बहुत खुशनसीबी दें अगर इसी तरह से ये बढ़े, कि मैं व्हाट्सएप पे कभी कभी देखता रहता हूँ, और इसी तरह से शहर में, ये शहर प्रेमचंद का शहर है, ये शहर फिराक गोरखपुरी का शहर है, इसको जिंदा रखना आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, खासतौर से जो आपकी ये प्रेस और मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें जिंदा रखा जाए आपके शहर को। मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर शहर मुख्यमंत्री का शहर है, हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, हम लोग जानते हैं कि कितना कठिन काम है, एक तरह से कहा जाए प्रशासनिक रूप से तो कांटों का ताज है। तो सबसे पहले तो आपको बधाई कि 21 महीना कुछ दिन जो है आपने बड़े प्यार से, बड़े आराम से इसको, इस शहर को देखा, संभाला, और सबसे अच्छी बात यह रही कि आप जब इस शहर पर रहे तो आप बहुत सहमित रहे, कोई मामला आता तो जैसे फोर्स का रिएक्शन होता है कमोबेश, कभी कभी उसमें गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन आप संतुलित रूप से, सहमित रूप से, बड़े प्यार से शहर को आपने देखा। मित्रों, जब कभी हम लोग लखनऊ बात कर रहे होते हैं, कभी कभी बात होती है कि गोरखपुर आना है क्या, कुछ लोग हालचाल पूछते हैं, चाहे वो IPS हो चाहे वो IAS हो, तो कहते हैं भैया हमको यहाँ नहीं आना, यहाँ से कहीं चले जाएंगे, यहाँ नहीं आना। तो आप समझ सकते हैं कि गोरखपुर पुलिस अधीक्षक का पद जो है कितना महत्वपूर्ण है, कितना चैलेंजिंग है। कुल 21 महीने में मुझको लगता है कि कप्तान साहब से मुलाकात जो हमारी रही 4 से 5 बार रही, 3-4 बार रंगे में रही, 1 बार कार्यालय में, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि संवाद नहीं हो रहा है।
काल बड़ा अच्छा रहा और साथ में यह कोरोना महामारी रही, इसमें भी आपका मूवमेंट बराबर बना रहा। शायद से शाम तक जो है आपने निरीक्षण किया, अपराध पर भी अंकुश रखा, तो निश्चित तौर पर यह एक अच्छे अधिकारी के रूप में आप यहाँ पर जाने जाएंगे और लंबे समय तक लोग याद भी करेंगे। हम लोगों की यही शुभकामना है कि आप जहाँ भी रहें इसी तरह से प्रशासनिक रूप से इसी तरह से दक्षता, इसी तरह का प्यार, इसी तरह का दुलार मिलता रहे। आपने हम लोगों को कहा कि यहाँ की मीडिया अच्छी है, तो यह मैं भी मानता हूँ इतना सहयोग और प्यार शायद नहीं मिलता हो, पश्चिम में तो नहीं मिलता है। यहाँ अगर आपने कह दिया कि इस खबर को नहीं छापने से बर्ताव हो सकता है या छापने से नुकसान हो सकता है तो लोग बचते हैं, अवॉइड करते हैं, रुक जाते हैं। खबरों की मारामारी, खबरों की भागदौड़ उस तरह से नहीं जैसे बाकी शहरों में है, तो यहाँ की मीडिया निश्चित तौर पर अच्छी है। और अंत में मैं यही कहूँगा, हमारी यही शुभकामना है कि पुनः जब आप डेलीगेशन पर जब पुनः आप आए तो यहाँ एक बार आईजी के रूप में, डीआईजी के रूप में जरूर आए और मुलाकात होती रहे। मेरी यही शुभकामना है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। आपने जो प्यार दुलार दिया हम लोगों को उसके लिए हम लोग तहे दिल से आभारी हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता ही है कि आज मेरे कार्यकाल का शायद अंतिम दिन ही होगा, मैं सभी गोरखपुर वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पुलिस महकमे को, प्रशासन को इतना सहयोग दिया कि पिछले कोई 1.5-2 साल से मैं यहां पर हूं और बहुत सारे वाकयात हुए, तरह तरह की घटनाएँ हुई, तरह तरह के आपने देखा कि बहुत सारे त्यौहार हुए, बहुत सारे इंसिडेंट हुए जिस पर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, मुझे बहुत ज़्यादा पुलिस महकमे को और प्रशासन को सपोर्ट दिया है जिससे कि शहर में कानून व्यवस्था बनी रही है। मैं सबका एक बार, सभी तबकों का, सभी लोगों का, पूरे शहर के वासियों का, हमारे सब मीडिया कर्मियों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, सभी पॉलिटिशियंस का, सभी जो हमारे गणमान्य नागरिक है सभी का हृदय से शुभकामना और आभार प्रकट करता हूँ। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी और बार बार हाथ धोएं, यही एक आज की डेट में जो अगले कम से कम कई महीनों तक ये चलेगा, अभी कोई इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि कोरोना से बचें और इसका प्रचार प्रसार करें कि 2 गज दूरी मास्क रखें और प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें जिससे कोरोना और क्राइम दोनों पर हम कंट्रोल कर सकें। धन्यवाद।